हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहां पे आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं क्लास ट्वेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। दोस्तों, यहां पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं पोएम 4 जो आती है हमारी सेंट्रल आइडिया में 4 नंबर की। अच्छे से आप हमारा ये वीडियो देखते रहें, और साथ ही साथ हमने कुछ कंप्लीट कर दी थी यहाँ पे सेंट्रल आइडियाज। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा उन सभी वीडियोज को, क्योंकि वहां पे मैंने पीडीएफ भी दे दिया है इसका और सेंट्रल आइडिया पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। अभी 3 सेंट्रल आइडिया आपके और बचे हुए हैं, आने वाले समय में वो भी कंप्लीट करा दूंगा। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको पोएम 4 चैप्टर का नाम है हमारा एन एलिगे रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसके राइटर है थॉमस क्रे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर देने वाला हूँ। एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, नए आए हो चैनल पर तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताता हूँ, सेंट्रल आइडिया आप हेडिंग डालिए और इसमें जो आपको कोटेशन बताऊंगा ये आप लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कोटेशन आपका, अगर आप कोटेशन नहीं लिखोगे तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं, दी एलिगे हैज बीन कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। इन दिस पोएम दी पोएट लेमेंट्स ऑन दी डेथ ऑफ दी विलेजेस, डेथ ऑफ दी विलेजेस फोर फादर। ही एक्सप्रेसेस हिज डीप कंसोलिडेशन फॉर दी पुअर एंड होम्स पीपल। दे आर ब्यूरिड इन देयर स्मॉल ग्रेव इन ए कंट्री चर्चयार्ड। दे कांट कम इन ए कैटेगरी ऑफ ग्रेट पीपल। दे कांट केम बैक इन टू लाइफ अगेन। नथिंग विल अफेक्ट ऑन दी डेड। देयर इज नो डिफरेंट बी दी रिच एंड दी पुअर आफ्टर डेड। सो दी रिच एंड एम्बिटियस पीपल शुड नॉट लाफ एट दी पुअर लॉट, ठीक है। शुड नॉट लॉट एट दी पुअर लॉट, लॉट माने भाग्य होता है, ठीक है, इसको हिंदी में भाग्य कहते हैं। ऑफ दी विलेजेस पीपल एवरी रिच एंड पुअर पीपल शुड कम अंडर दी क्रूअल ज्वेल एंड ऑफ डीड, ठीक है। एंड देन यहाँ पे डीड इज दी ग्रेट लेवल, ग्रीड इज दी ग्रेट लेवल। सो दिस दी एंड ऑफ लाइफ, दिस वाई वी शुड नॉट फील प्राइड ऑफ आवर नोबेल बर्थ पोजिशन एंड डेथ। नंबर फर्स्ट हमारा कोटेशन आएगा, कोटेशन जरूर लिख दीजिएगा। डेथ इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, वी कैन क्योट ए लाइन, ठीक है, वी कैन क्योट ए लाइन। सेकेंड है हमारा मैन इज दी, क्योट ए लाइन के बाद आप हल्का सा डैश कर दीजिएगा लाइन, यहाँ पे ये देखिए आपकी लिखी गई है, ठीक है। मैन इज दी सब्जेक्ट टू डिले टू डिके बिकॉज ही इज बॉर्न टू डाई, ठीक है। ये हमारा सेकेंड नंबर कोटेशन है, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर कोटेशन आप देख लीजिए और ये पहला नंबर कोटेशन आप देख लीजिए, और यहाँ पे सेंट्रल आइडिया मैंने कंप्लीट कर दिया है। सेंट्रल आइडिया आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सभी लोग जाओ और डाउनलोड कर लो। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सअप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के जरिए, ताकि आपके सभी दोस्तों की हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। Oh, 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 oh,